हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डीमिस्टिफाई मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे वॉल्टर टेरेंस स्टेस की सीरीज के साथ ऑन द बुक द क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी। हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 पे हमने थ्री स्कूल्स ऑफ ग्रीक फिलोसफी देखे हैं, आयोनिक स्कूल, द पाइथागोरियन स्कूल, द एलियाटिक स्कूल। फिर हमने प्रीवियस वीडियो में हेराक्लाइटस के बारे में पढ़ा था, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें हेराक्लाइटस लेकर आते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एम्पेडोकल्स। नाउ एम्पेडोकल्स वॉज अ मैन ऑफ अर्जेंटीना इन सिसिली, सो आप इसकी बर्थ डेट वगैरह ये सब चीजें आप देख सकते हैं। ही पजेस्ड अ पावरफुल एंड मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। जैसे पाइथागोरस के आसपास ना बहुत सारी मिराक्युलर स्टोरीज रिवॉल्व करती है, इन्होंने कैसे कुछ मिराकल्स करे एंड फैंटसीज एंड फैंसीज एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनके ये एम्पेडोकल्स के अराउंड भी बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स वगैरह, उन्होंने ये जादू करा, ये चमत्कार करा, मिराकल्स करी, रोमांटिक स्टोरीज वगैरह बहुत कुछ, यू नो। तो ही वॉज वेरी फेमस फॉर ऑल ऑफ दैट। एम्पेडोकल्स की जो फिलोसफी है वो कैरेक्टर में इट वॉज यू नो वेरी इक्लेक्टिक इन कैरेक्टर। नाउ जब हम बात करते हैं तो यू नो इक्लेक्टिक इन द सेंस दैट इट वॉज वेरी वाइड, वेरी फार रीचिंग और बहुत ही यू नो मतलब काफ़ी काफ़ी वेरीड थे उनके आइडियाज, उनकी फिलोसफी। सो नाउ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स, यानी एम्पेडोकल्स के टाइम तक काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स ग्रीक फिलोसफी डेवलप कर चुकी थी। हमने पार्मेनाइट्स देखा, हमने जेनो देखा, जेनोफेन्स, हेराक्लाइटस, थेल्स, थेलीज एंड एग्जामिनर, एनैक्सिमेनर, एनैक्सिमेंस, ऑल ऑफ दीज पीपल। सो अब एम्पेडोकल्स क्या करता है कि इन आइडियाज़ को रिकनसाइल करने की कोशिश करता है। हमने देखा बहुत सारे फिलोसफर्स, ये सारे फिलोसफर्स ना अलग 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 बहुत कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ बोल रहे हैं। हेराक्लाइटस जो है वो पार्मेनाइट्स को कम्प्लीटली कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं, एलियाटिक स्कूल को, नॉट ओनली पार्मेनाइट्स बट एलियाटिक स्कूल को कम्प्लीटली कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं हेराक्लाइटस। सो एम्पेडोकल्स कोशिश करते हैं कि सभी को कि कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पार्मेनाइट्स के बारे में बात करते हुए ही पॉइंटेड आउट दैट यू नो जैसे कि हम ऑलरेडी पार्मेनाइट्स एलियाटिक स्कूल वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि हाउ पार्मेनाइट्स की फिलॉसफी को दो व्यू में लिया जाता है, या तो आइडियलिस्टिक या मटीरियलिस्टिक। तो जैसे डेमोक्राइटस एंड ऑल दीज पीपल दे टुक एम्पेडोकल्स जो है, एम्पेडोकल्स एंड डेमोक्राइटस ने पार्मेनाइट्स का मटीरियलिस्टिक व्यू लिया था। सो पार्मेनाइट्स का बीइंग जो था वो एम्पेडोकल्स ने took as something which was materialistic, it was finite, it was spherical shaped, globe shaped. So if we take that in a purely material context, what it means is that matter has neither beginning nor end, is created and uncreated and indestructible. And this is the first basic principle of Empedocles, ki jo material hai, jo matter hai jisko liya gaya hai, उसकी कोई बिगनिंग नहीं है, एंड नहीं है, उसको किसी ने क्रिएट नहीं किया, कोई उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो हेराक्लाइटस ने हमें एक अलग ही बिकमिंग के बारे में, बीइंग के बारे में बताया, विच इज नॉट एट ऑल यू नो विच इज कम्प्लीटली इन ऑपोजिशन टू द पार्मेनाइड्स साइड। सेकेंड बेसिक प्रिंसिपल एम्पेडोकल्स का क्या है कि जैसे हेराक्लाइटस ने हमें बताया दैट बिकमिंग एंड चेंज कैन नॉट बी डिनाइड। चेंज, फ्लक्स, ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो एम्पेडोकल्स हम देखेंगे कि हेराक्लाइटस एंड पार्मेनाइट्स, उनकी पोजिशन एब्सोल्युटली अपोजिट टू ईच अदर थी। एम्पेडोकल्स की फिलोसफी में दोनों को ही प्लेस मिलती है। सो देर इज नो एब्सोल्यूट बिकमिंग, नो क्रिएशन एंड अटर डिस्ट्रक्शन ऑफ थिंग्स, एंड येट दैट थिंग्स डू समहाउ अराइज एंड पास अवे, दिस मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, दीज कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज मस्ट बी रिकनसाइल्ड। नाउ इफ यू असर्ट दैट मैटर इज अनक्रिएटेड एंड इंडेस्ट्रेबल, तो अब तरीका कैसे, मतलब अब ये दोनों बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, एक दूसरे से ऑपोजिट व्यूज है, अब हम इनको रिकनसाइल कैसे करें, या एम्पेडोकल्स कैसे इनको एक कंसोलिडेटेड रिकनसाइल्ड वे में दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज को प्रेजेंट करते हैं। वी मस्ट सपोज दैट ऑब्जेक्ट्स एज होल्स बिगिन एंड सीज टू बी, बट दैट द मटीरियल पार्टिकल्स ऑफ विच दे कंपोज आर अनक्रिएटेड एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। तो कैसे वो समझाते हैं एम्पेडोकल्स, ये बोलकर कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट भी होते हैं, वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं। कैसे कि डिफरेंट पार्टिकल्स साथ में आते हैं, एक नए ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है, वो अलग हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लेकिन जो मैटर है, जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट का, वो अनक्रिएटेड रहता है, ना उसको किसी ने क्रिएट किया है, ना कोई उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एम्पेडोकल्स एंड एनैक्सिकोरस एंड एटमिस सभी का, बिकॉज दे से दैट मैटर ऑफ विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ
द मटीरियल पार्टिकल्स ऑफ विच दे कंपोज ऑफ आर अनक्रिएटेड एंड इनडिस्ट्रक्टेबल. ओके, सो नाउ द आयोनिक फिलोसफर्स, हमने सब सभी ने बताया कि अल्टीमेट चीज जो है वो मैटर है. सबके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज मैटर. थेरीज के लिए एयर वॉटर था, एनैक्सिमेंस के लिए एयर था. सो यू नो, इसका मतलब कि जो अल्टीमेट काइंड ऑफ मैटर है जिसको वो बोल रहे हैं, उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी, इतनी पावर थी कि वो अपने आप को डिफरेंट वेरिएशंस में, डिफरेंट फॉर्म्स में डाल सके. थेरीज ने बोला फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैटर वॉज वाटर, यानी वाटर के पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वाटर अपने आप को चेंज करके एक दूसरे फॉर्म में डाल सके, पेपर बन जाए, फायर बन जाए, एयर बन जाए, स्टफ लाइक दैट. पार्मेनाइड्स ने हमें ये बताया था दैट वट एवर इट इज, इट रिमेन्स ऑलवेज द सेम. उसमें कोई भी चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. पार्मेनाइड्स ने मल्टीप्लिसिटी एंड मोशन को कम्प्लीटली डिनाई करा था. तो यहाँ पे एम्पिडोकल्स पार्मेनाइड्स के साथ अग्री तो करता है कि देयर इज एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट, इट रिमेन्स द सेम, कोई चेंज नहीं होता है, कोई मोशन नहीं होता है, लेकिन उसने उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, एक अलग तरीके से. वन काइंड ऑफ मैटर ही थिंग्स कैन नेवर चेंज इन टू अनदर काइंड ऑफ मैटर. फायर नेवर बिकम्स वॉटर. Nor does earth ever become air. This leads Empedocles at once to doctrine of elements. The word elements indeed is of later invention. Empedocles speaks of elements as the roots of all. Empedocles elements ko kaise bulata hai? Roots of all. So Empedocles ka kya kehna hai ki four elements hai, air, fire, water and earth. Empedocles jo tha wo four elements ka originator tha. Jo hum baat karte hain, यू नो, इंडियन फिलोसफी में ये क्लासिफिकेशन काफ़ी फेमस है. तो ग्रीक फिलोसफी में एम्पिडोकल्स वॉज द ओरिजिनेटर, वॉज द क्रिएटर, जिसने फोर एलिमेंट्स को यू नो क्लासिफाई किया था. देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फ्रॉम जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, हम जो ग्रीक फिलोसफी का ये सोर्स पढ़ रहे हैं ना, दिस इज ऑफकोर्स बायस्ड एंड ऑल, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें पता चलेगी बहुत नहीं है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. लेकिन जो पॉइंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. जैसे पार्मेनाइड्स वॉज द फादर ऑफ आइडियलिज्म एंड मटीरियलिज्म, ये चीज़ हमें इस बुक से पता चली प्रीवियस वीडियो में. एम्पिडोकल्स वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इन टू द फोर एलिमेंट्स. ज़ेनोफेन्स ने हमें वो लाइन दी थी ऑल इज वन. तो थेलीज वॉज द फादर ऑफ फिलोसफी, जिसने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स के बारे में प्रोपाउंड किया था. हेरेक्लाइटस फ्लक्स के बारे में, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट माइन्यूट डिटेल्स विच चेंज द होल सिनेरियो ऑफ थिंग्स. कि ये क्लासिफिकेशन इन टू एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लीप है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है इन टू द थिंकिंग ऑफ ग्रीक फिलोसफी, और इसको क्रेडिट किया जाता है एम्पिडोकल्स को. सो एम्पिडोकल्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, एक मैटर दूसरे मैटर में चेंज नहीं हो रहा है. पार्मेनाइड्स इस चीज के साथ जैसे अग्री करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि एम्पिडोकल्स की जो फिलोसफी है वो एक मिक्सचर भी है बाकी ग्रीक फिलोसफर्स की, एंड प्लस इट हैज इट्स ओन टेस्ट ऑल्सो. तो एम्पिडोकल्स का कहना है कि इट्स नॉट दैट एक मैटर दूसरे में चेंज हो रहा है, पानी फायर में चेंज हो रहा है, फायर एयर में चेंज हो रहा है, दैट्स नॉट व्हाट हैपनिंग. एम्पिडोकल्स ने कहा कि चार एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, एयर, फायर, वाटर, एंड एवरीथिंग इज कम्पोज ऑफ दीज फोर एलिमेंट्स. और उन मटीरियल, उन चीज़ों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे होती है, क्योंकि इनमें ये एलिमेंट्स की क्वांटिटी डिफरेंट होती है. किसी, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, किसी ऑब्जेक्ट में फायर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी. तो ये एलिमेंट्स के बैलेंस इम्बैलेंस, एलिमेंट्स की क्वांटिटीज के वजह से ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो डिफरेंसेस आता है. तो ये अलग अलग प्रपोर्शंस में एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. तो जितना भी ओरिजिनेशन और डिजीज होता है ऑब्जेक्ट्स का, जितनी भी चीज़ें राइज होती है, डाई होती है, और जो क्वालिटीज में डिफरेंस आता है, वो सब इन फोर एलिमेंट्स के मिक्सिंग और अनमिक्सिंग के कारण होता है. फोर एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग हो गए, वो चीज़ खत्म हो गई. ये फोर एलिमेंट्स साथ में आ गए, एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में साथ में आके मिल गए, तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया. तो ऑल बिकमिंग इज सिंपली कॉम्पोजिशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ये फोर एलिमेंट्स. इन फोर एलिमेंट्स का साथ में आना, एक साथ कुछ कंपोज करना, डीकम्पोज हो जाना, अलग हो जाना, वो इज वॉट मेक्स एवरीथिंग एंड चेंजेस एवरीथिंग. लेकिन ये जो कमिंग टुगेदर और सेपरेशन है एलिमेंट्स का, इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट आता है. ठीक है, कि क्यों? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि हम कैसे एक्सप्लेन करें, ये मूवमेंट कैसे आ रहा है, कैसे ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, हाउ इज दिस हैपनिंग. तो मूवमेंट को लेकर जो आयोनिक फिलोसफर्स हैं, उन्होंने करा था कि उनके अकॉर्डिंग मैटर के अंदर ही वो फोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, कि वो मूवमेंट अपने आप से कर रहे हैं.
दे हैव द पावर इन देमसेल्व्स, वो इनहेरेंट है पावर उनमें और उसी पावर से वो मूवमेंट कर रहे हैं. एम्पेडोकल्स इस डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट करते थे. एम्पेडोकल्स के अकॉर्डिंग क्या है, मैटर डेड है, मैटर के अंदर खुद में कोई पावर नहीं है, मैटर एक एब्सोल्युटली नॉन लिविंग बींग है, नॉन लाइफलेस चीज़ है जिसके खुद की कोई मोशन या प्रिंसिपल नहीं है. तो एक पॉसिबिलिटी, अब एम्पेडोकल्स कैसे समझाते कि मान लीजिए मैटर में, वो कह रहे हैं कि मैटर जो है जैसे ये एलिमेंट्स है अर्थ एयर वाटर फायर के, इनमें खुद में कोई मोशन नहीं है, लाइफलेस है, कोई पावर नहीं है, फोर्स नहीं है. तो क्वेश्चन आ जाता है कि फिर ये एलिमेंट्स कैसे कम टुगेदर हो रहे हैं, कैसे डीकम्पोज हो रहे हैं. सो एम्पेडोकल्स कहते हैं कि देर आर फोर्सेज एक्टिंग अपॉन फ्रॉम द आउटसाइड and as the two essential processes of the world, mixing and unmixing, are opposite in character, so there must be two opposite forces. जैसे mixing and unmixing are opposite in character, तो दो opposite forces है जो इस matter के ऊपर work कर रही है. इसको वो कहते हैं love and hate या harmony and discord. तो यहाँ पर Empedocles again दो opposite forces की बात करते हैं, जैसे कि Anaximander ने की, Anaximenes ने की, Pythagoreans ने की, Heraclitus ने की, Empedocles भी यहाँ पर दो opposite forces की बात कर रहे हैं. तो एम्पेडोकल्स जो है वो इसको मटीरियल फोर्सेस बोलते हैं, वो इसको एक आइडियलिस्टिक या नॉन सेंशुअस अप्रोच ना दे के एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच देते हैं. ठीक है, तो वो कहते हैं कि जैसे अट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लव एंड हेट, ये सभी ऑपरेटिंग फोर्सेस हैं यूनिवर्स की. यूनिवर्स में ये लव एंड हेट, हार्मनी, डिस्कॉर्ड, ये सारी चीज़ें हो रही है एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग. तो ह्यूमन लव, हेट वगैरह ये सब क्या है, ये सब मैकेनिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन है. मतलब लव एंड हेट ये ऑपोजिट फोर्सेज है जिस वजह से मैटर, एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड इन द वर्ल्ड. जो पावर, जो फोर्स दे रहा है मैटर को, विच इज डेड, लाइफलेस मैटर में मूवमेंट के लिए पावर दे रहा है. तो अब एम्पेडोकल्स टॉट द डॉक्ट्रिन ऑफ पीरियोडिक वर्ल्ड साइकिल्स. जो वर्ल्ड प्रोसेस इज देयरफॉर प्रॉपरली स्पीकिंग सर्क्यूलर एंड हैज नीदर बिगिनिंग और नॉर एंड. पीरियोडिक वर्ल्ड साइकिल का मतलब कि जो वर्ल्ड प्रोसेस है जिस वजह से वर्ल्ड का क्रिएशन है, डिस्ट्रक्शन है, डिफरेंट प्रोसेसेस वर्ल्ड में हो रही है, सर्कुलर मोशन में, इसका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है, वो सर्कुलर मोशन में बस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है. सो बट इन डिस्क्राइबिंग दिस प्रोसेस वन मस्ट बिगिन समवेयर. तो वी विल देन बिगिन विद दिस फायरोस, दैट इज दिस स्फीयर. इन दिस प्राइमेबल स्फीयर द फोर एलिमेंट्स आर कंप्लीटली मिक्सड. तो अब देखिए एम्पेडोकल्स को कैसे समझाता है. सबसे पहले जो सबसे पहला स्फीयर है उसमें चारों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं. पानी हवा से सेपरेटेड नहीं है, हवा अर्थ से सेपरेटेड नहीं है, अर्थ फायर से सेपरेटेड नहीं है, सारे क्योटिकली मिक्स्ड टुगेदर है. सॉरी, ऑल आर क्योटिकली मिक्स्ड टुगेदर इन द प्रिमेबल स्फेयर द फोर एलिमेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड. कोई भी पोर्शन में, मतलब आप स्फीयर के किसी भी पोर्शन में चले जाओ, देयर मस्ट बी एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर. तो पूरे स्फीयर में जैसे इवनली स्प्रेड है ये, तो देयर इज अ यूनियन एंड द सोल फोर्स ऑपरेटिंग विद इन द स्फीयर इज लव और हार्मनी. लव और हार्मनी की वजह से एक यूनियन बना हुआ है चारों एलिमेंट्स का. किसी भी पोर्शन में किसी का कट, कोई भी स्फीयर का कोई भी पार्ट कटआउट ले लो, उसमें आपको सेम क्वांटिटी ऑफ फोर एलिमेंट्स मिलेंगे. दैट्स वाई दिस स्फीयर इज कॉल्ड द ब्लेस्ड गॉड. नाउ हेट हाउएवर एग्जिस्ट्स ऑल अराउंड आउटसाइड द स्फीयर. हेट जो है वो धीरे धीरे करके पेनेट्रेट्स फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस टुवर्ड्स द सेंटर एंड इंट्रोड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड डिसयूनियन ऑफ एलिमेंट्स. तो एम्पेडोकल्स क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लव है जिस वजह से पूरे स्फीयर में चारों पार्टिकल्स बहुत ही इवनली, फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हेट इस स्फीयर के आसपास है, चारों तरफ है. अब हेट धीरे धीरे करके इस स्फीयर में घुसता जाता है और घुसकर सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करता जाता है. ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है, सेपरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है और एक टाइम आता है जब ये चारों एलिमेंट्स एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं. तो वाटर के सारे एलिमेंट्स एक साथ हो जाते हैं, एयर के सारे एलिमेंट्स एक साथ हो जाते हैं, फायर के एलिमेंट्स एक साथ हो जाते हैं, अर्थ के एलिमेंट्स एक साथ हो जाते हैं, तो फोर उसमें डिवाइड हो जाता है ये स्फीयर. अब ये जब प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो हेट इज सुप्रीम एंड लव इज इंटायरली ड्रिवन आउट. अब क्या हो जाता है, जब तक वो साथ में थे तो हेट उसको ड्राइव कर रहा था, अब वो सब चारों एलिमेंट्स अलग हो चुके हैं तो अब सॉरी जब से वो साथ में थे तब लव उसको ड्राइव कर रहा था, अब जब चारों एलिमेंट्स अलग हो चुके हैं तो हेट उसको ड्राइव कर रहा है, लव बिल्कुल बाहर हो चुका है. फिर वापस से लव पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, एलिमेंट साथ में आने लगते हैं ओरिजिनल उसमें, तो ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है. कभी लव अंदर घुस रहा है, कभी हेट अंदर घुस रहा है, एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं फिर मिक्स हो रहे हैं, फिर अलग हो रहे हैं फिर मिक्स हो रहे हैं. तो अब
ये प्रोसेस चलती रहती है। अब इसमें हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो आंसर इज दैट इट इज नीदर इन द कंप्लीट लव या कंप्लीट, मतलब वो कंप्लीट यूनियन या कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, दोनों ही प्रोसेस में वो नहीं है, वो हाफ वे बिटवीन है, एक ऐसे स्टेज में है जहाँ पर टोटल एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग भी नहीं है या एलिमेंट्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ भी नहीं है, वो एक ऐसे बीच के प्रोसेस में हमारा वर्ल्ड है जहाँ पे हेट भी है जहाँ पे लव भी, एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग भी हो रहे हैं, एलिमेंट्स एक दूसरे के पास भी आ रहे हैं। इट इज प्रोसीडिंग फ्रॉम द फॉर्मर टूवर्ड्स द लेटर एंड हेट इज ग्रेजुअली गेटिंग द अपर हैंड। तो ये प्रोसेस चलती जा रहा है, लव हेट गिव एंड टेक होते जा रहा है, और इस बीच में एलिमेंट्स के सेपरेशन और डिसइंटीग्रेशन के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो हमारा वर्ल्ड, प्रेजेंट वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड फ्रॉम द स्फीयर द फर्स्ट एलिमेंट टू बी सेपरेटेड ऑफ वाज एयर, नेक्स्ट फायर, देन द अर्थ। वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द अर्थ बाय रैपिडिटी ऑफ इट्स रोटेशन। द स्काई इज कंपोज्ड ऑफ टू हाफ्स, वन इज फायर, दिस इज द डे, द अदर इज डार्क मैटर विद मासेस ऑफ फायर स्कैटर्ड इन इट, दिस इज द नाइट। तो इस तरीके से एम्पेडोकल्स हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। एम्पेडोकल्स बिलीव्ड इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स, जिसको, ओके लेट्स, दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई नीड टू पोज टू यू, व्हाट विच स्कूल और विच फिलोसोफर डिनाइड थी और रिडिक्यूल्ड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ स्कूल, एंड विच फिलोसोफर एंड विच स्कूल बिलीव्ड इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ स्कूल। मैं आपको बिलीव का एक हिंट दे सकती हूँ कि इट वॉज द पाइथागोरियंस, जो कि ऑर्फिक सेक्ट से बहुत ज्यादा यू नो, ओके दे बिलीव इन द री इनकारनेशन, नॉट एग्जैक्टली ट्रांसमाइग्रेशन, बट या थोड़ा सा स्पिरिचुअल जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो ही ऑल्सो पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ सेंस परसेप्शन एंड द फायर इज अस परसीव्स एक्सटर्नल फायर एंड सो विद द अदर एलिमेंट्स, हाइट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंसेस ऑफ फायर एंड वाटर ऑफ द आईज मीटिंग सिमिलर रेफरेंसेज फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ दिस। सो दिस इज आवर सबसे पहले क्लासिफिकेशन इन टू फोर एलिमेंट्स दिया था एम्पेडोकल्स ने, फोर एलिमेंट्स अर्थ वाटर एयर फायर,